Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग खुशबू, सरिता, वंदना, राहुल, आलोक, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग, मीनाक्षी, विकल्प, राहुल, सैदाब, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्वागत है आप सबका महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24th नवंबर के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स को, और उसके साथ ही हम करेंगे कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर। सो अगर आप लोग रेडी हैं तो सेशन को स्टार्ट करें। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सेशन को शेयर करना है जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। सो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, और भी लोगों को बुला लीजिए, फिर हम स्टार्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अन्वेषा, सुरेंद्र, गौतम, वेरी गुड मॉर्निंग। सो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, और भी लोग आ जाएं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दीक्षा, नव्या, वेरी गुड मॉर्निंग आयुष, ओके। सो मोस्टली स्टूडेंट्स आ गए हैं, और भी लोगों को बुला लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा चैंपियन ऑफ द डे कौन है। सो हमने जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट वॉज अवार्डेड एज द बेस्ट मरीन स्टेट ड्यूरिंग फिशरीज अवार्ड 2021। मत्स्य पालन पुरस्कार 2021 के दौरान किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है। आप में से बहुत से लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था, कुछ लोगों ने ओडिशा बताया था, कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ बताया था, एक आंसर इंदौर भी आया था, और कुछ लोगों ने ही आंध्र प्रदेश बताया था। सो जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर बताया है, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बताया है विकल्प ने, उसके बाद अन्वेषा ने, और देन महेश राय यूनिक। सो वंस अगेन ये तीनों बनते हैं हमारे चैंपियन ऑफ द डे। हमारे ये जो तीन चैंपियन हैं कंटिन्यू यही बनते आ रहे हैं, इनको कोई बीट नहीं कर पा रहा है। सो आप लोगों को चैंपियन नहीं बनना है क्या, इन तीनों लोगों को बीट करिए और यहाँ पर अपना नाम लेकर आइए। सो हमारे जो आज के तीन चैंपियन हैं वो कौन है, महेश राय, अन्वेषा और विकल्प। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल थ्री ऑफ यू, आप तीनों बनते हैं हमारे चैंपियन ऑफ द डे। इसके अलावा जिसने करेक्ट आंसर दिया था वो भी हमारे विनर हैं, बाकी कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था, कोई बात नहीं, अब देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो तो फिर आगे प्रोसीड करें और स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो चलिए जल्दी से बताइए, स्टार्ट करें, आप लोग रेडी हैं? ओके, स्टडी विथ मी, आप नए हैं, कोई बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारे करंट अफेयर सेशन में डेली आइएगा। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी अपडेट्स मिले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके चलिए, सरिता रेडी हैं, महेश राय भी रेडी हैं, और बस दो ही लोग रेडी हैं, स्टार्ट करें? विकल्प, राहुल, ओके एवरीवन, सब लोग रेडी हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली हेडलाइन है वो है, नीति आयोग अंडर द इंडो जर्मन कॉपरेशन हैज रिलीज्ड द इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 एंड 22। भारत जर्मन सहयोग के तहत इंडो जर्मन कॉपरेशन के अंडर नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको उद्घाटन सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अर्बन इंडेक्स शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 और 22 जारी किया है। ठीक है, भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने उद्घाटन सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। नीति आयोग ने किसके अंडर में, इंडो जर्मन कॉपरेशन के अंडर इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड को रिलीज किया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आपका SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 और 22 है, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है। जो भी हमारा इंडेक्स होता है, जो भी रिपोर्ट होता है, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है किसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, जल्दी बताइए, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, ये जो इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए। SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 एंड 2022 को किसने रिलीज किया है? अभी मैंने जस्ट बताया है, सामने लिखा भी है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप अपनी कॉपी में नोट बना रहे हैं, आपने ये लिखा और यहाँ पर एरो किया, तो यहाँ नीचे आप क्या लिखेंगे? वेरी गुड, विनय, राहुल, दीक्षा, राकेश, वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? नीति आयोग। इसको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है अंडर द इंडो जर्मन कॉपरेशन। ब्रैकेट में ये भी लिखिएगा कि इंडो जर्मन कॉपरेशन के अंडर इसको नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या कुछ है। अभी फिलहाल यहाँ पर इतना याद करिए कि जो इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 है, इसको इंडो जर्मन कॉपरेशन के अंडर नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। आई थिंक याद हो गया आपको, ये जितना मैंने अभी बताया यहीं पर याद हो गया होगा। जो भी पढ़ेंगे क्लास में याद करके जाएंगे हम लोग। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे कि याद नहीं हुआ, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। याद हुआ? ये बताइए, याद हो गया ना कि इस SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड को किसने रिलीज किया है? नीति आयोग ने किया है इंडो जर्मन कॉपरेशन के अंडर। क्लियर? चलिए, इसमें टॉप 10 जो अर्बन एरियाज हैं हम उनकी लिस्ट देखेंगे, और उसके बाद जो टॉप बॉटम अर्बन एरियाज हैं उनको देखेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं टॉप 10 अर्बन एरियाज की। टॉप 10 अर्बन एरियाज इन SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021। इस इंडेक्स में जो टॉप 10 अर्बन एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? पहले पे है आपका शिमला, देन कोयम्बटोर, चंडीगढ़, त्रिवंतपुरम, कोची, पणजी, पुणे, तिरुचिरापल्ली, अहमदाबाद, नागपुर। यानी कि आपका हिमाचल प्रदेश का शिमला ये टॉप पर है। उसके बाद तमिलनाडु का कोयम्बटोर, चंडीगढ़ आपका है थर्ड पर, केरला का तिरुवनंतपुरम, केरला से ही कोची है, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र पुणे, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली, गुजरात अहमदाबाद और महाराष्ट्र का नागपुर। ये आपके टॉप 10 क्या हैं? अर्बन एरियाज हैं। इस लिस्ट में जो टॉप 10 आपके SDG अर्बन इंडेक्स में जो टॉप 10 अर्बन एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? शिमला, कोयम्बटोर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोची, पणजी, पुणे, तिरुचिरापल्ली, अहमदाबाद, नागपुर। यहाँ पर सारे नाम अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। बट अगर सारे नाम आप भूल जा रहे हैं तो एटलीस्ट टॉप 3 या टॉप 5 ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, किसने टॉप किया है और कौन सा बॉटम पर है? अगर सारे नाम आपको नहीं याद हो रहे हैं तो टॉप 3 या टॉप 5 और बॉटम पे कौन है ये जरूर याद रखिएगा कि इस टॉप 10 में 10th नंबर पर कौन है। हम ये टॉप 10 अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, तो टॉप पर कौन है? अगर टॉप 3 की हम बात करें तो फर्स्ट पर आपका शिमला है, दूसरे पे आपका कोयम्बटोर है और तीसरे पे आपका चंडीगढ़ है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बॉटम 10 अर्बन एरियाज की। वो हमने टॉप 10 अर्बन एरियाज की बात की, अब हम बात करेंगे बॉटम 10 अर्बन एरियाज की जो इसमें SDG अर्बन इंडेक्स में है। ये कौन कौन से हैं बॉटम 10? एक पहला है आपका फरीदाबाद, देन कोलकाता, देन आगरा, कोहिमा, जोधपुर, पटना, गुवाहाटी, ईटानगर, मेरठ और धनबाद। ये आपके क्या हैं? ये आपके बॉटम 10 अर्बन एरियाज हैं। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, कोलकाता, आगरा, कोहिमा, जोधपुर, पटना, गुवाहाटी, ईटानगर, मेरठ, धनबाद। ये सारी लिस्ट आपको याद करनी है कि टॉप 10 में कौन से हैं और बॉटम 10 में कौन से आपके अर्बन एरियाज हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि नीति आयोग ने इंडो जर्मन कॉपरेशन के अंडर इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 और 2022 इन्होंने रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने टॉप 10 अर्बन एरियाज कौन कौन से हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट दी है, और उसके अलावा बॉटम 10 जो अर्बन एरियाज हैं उनकी लिस्ट दी है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव। मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मैंने आपको बताया था ना रेलवे मिनिस्टर कौन है, आप इसको कैसे याद करेंगे? कोई बताएगा वो ट्रिक क्या थी जो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं इनका नाम क्या है, ये आप कैसे याद करेंगे? किसी को याद है वो ट्रिक क्या थी? मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव।
अच्छा, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, ये हमें याद है, यहाँ पर दिख रहा है। ट्रिक याद है आप में से किसी को कि क्या ट्रिक बताई थी मैंने? किसी को याद है ट्रिक कौन सी बताई थी मैंने आपको कि जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं इनको कैसे याद कर सकते हैं कि इनका नाम क्या है? हाँ जी, वैष्णो देवी से याद कर सकते हैं। हम लोग वैष्णो देवी मोस्टली किससे जाते हैं? रेल से जाते हैं। हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो वैष्णो देवी किससे जाती है? रेल से, यानी कि ट्रेन से। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? अश्विनी वैष्णो है। क्लियर है? सो मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णो हैज अनाउंस्ड थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव। जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो है, इन्होंने थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन भारत गौरव की घोषणा की है। इन्होंने एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन का अनाउंसमेंट किया है जिसका नाम क्या है? भारत गौरव। तो आपको ये नाम याद रखना है कि इस ट्रेन का नाम क्या है? इसका नाम है भारत गौरव, जो कि एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है। मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णो हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ भारत गौरव, ये भी हमने पढ़ लिया। इट विल बी रन बाई बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड IRCTC। ये जो ट्रेन है इसको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी रन किया जाएगा और जो हमारा IRCTC है इसके द्वारा भी रन किया जाएगा। थीम बेस्ड सर्किट है ये, जैसे कि थोड़े दिन पहले हमारा एक चला था गुरु कृपा, दैट गोज टू ऑल प्लेसेज रिलेटेड टू गुरु नानक। जो गुरु कृपा ट्रेन चली थी, थीम क्या था उसका? गुरु कृपा। वो जो ट्रेन थी वो गुरु नानक से रिलेटेड जितनी प्लेस थी वहां पर गई थी। इसके अलावा रिसेंटली हमारा रामायण थीम ट्रेन चला था, जो कि उन सभी जगह पर गया था जहां पर जो चीजें भगवान राम से रिलेटेड हैं, है ना? पढ़ा था ना हम लोगों ने इसको, जो हमारा ये गुरु कृपा थीम बेस्ड ट्रेन थी, इसमें इन्होंने वो सारे प्लेसेस को कवर किया था जो गुरु नानक से रिलेटेड थी। रामायण थीम जो ट्रेन चली थी, ये इसने सारी प्लेसेस को कवर किया था जो कि भगवान राम से रिलेटेड थी। तो ऐसे ही अब एक नया थीम बेस्ड ट्रेन सर्किट अनाउंस किया गया है जिसका नाम भारत गौरव है। ये क्या करेगा? ये इंडिया का रिच कल्चर और हेरिटेज शो करेगा। हमारे भारत का जो रिच कल्चर और हेरिटेज है उसको ये शो करेगा। दीज ट्रेन्स विल हेल्प रियलाइज द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शो केस इंडियाज रिच कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, ये इसको लॉन्च करने का मेन एम क्या है कि जो हमारी संस्कृति और विरासत है ये उसको शो करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? गुरु कृपा थीम बेस्ड थी, गुरु नानक जी से रिलेटेड थी। फिर रामायण ट्रेन जो हमारी चली थी, रामायण थीम वाली ट्रेन, रिसेंटली हमने पढ़ा था, उसमें उन्होंने उन सारी प्लेसेस को कवर किया था जो भगवान राम से रिलेटेड थी। और ये जो हमारी भारत गौरव ट्रेन आई है, ये हमारे इंडिया की जो भी संस्कृति और विरासत है उसको ये क्या करेगी? शो करेगी, उसको प्रदर्शित करेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? चलिए अब हम आते हैं हमारी अगली हेडलाइन पर, और हमारी जो अगली हेडलाइन है वो है, अब बांग्लादेशी साइंटिस्ट फरहाना सुल्ताना, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फरहाना सुल्ताना। अब बांग्लादेशी साइंटिस्ट फरहाना सुल्ताना हैज सक्सेसफुली बिल्ट अ मशीन, इन्होंने एक मशीन बनाया है टू प्रोड्यूस सैनिटरी पैड्स यूजिंग द जूट सेलुलोज फॉर सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हेल्थ। एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक फरहाना सुल्ताना ने अस्थाई मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए जूट सेलुलोज का प्रयोग करके सैनिटरी पैड बनाने के लिए एक सफलतापूर्वक मशीन का निर्माण किया है। बांग्लादेशी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम फरहाना सुल्ताना है, इन्होंने सक्सेसफुली एक मशीन को बिल्ड किया है जो कि सैनिटरी पैड को प्रोड्यूस करेगा बाय यूजिंग जूट सेलुलोज। जूट सेलुलोज को यूज करके ये सैनिटरी पैड प्रोड्यूस करेगा, ऐसा मशीन इन्होंने बनाया है फॉर सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जिससे जो भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो क्या रहे, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो बांग्लादेशी साइंटिस्ट फरहाना सुल्ताना ने एक मशीन बिल्ड किया है जो कि क्या करेगा, जूट सेलुलोज को यूज करके सैनिटरी पैड को प्रोड्यूस करेगा। फरहाना सुल्ताना हैज बीन अवार्डेड द ग्रैंड प्राइज एट द 4th एनुअल इनोवेशन पिच कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाई द अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। ये जो फरहाना सुल्ताना है, इनको 4th एनुअल इनोवेशन पिच कॉम्पिटिशन में ग्रांड प्राइज दिया गया था, जिसको कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर है? जो फरहाना सुल्ताना है, इनको 4th एनुअल इनोवेशन पिच कॉम्पिटिशन में ग्रांड प्राइज दिया गया था, जिसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के द्वारा। इसके अलावा से वर्क्स एज एन असिस्टेंट साइंटिस्ट एट द प्रीमियर हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बांग्लादेश ICDDR।
इसके अलावा ये जो बांग्लादेश ICDDR जो कि एक प्रीमियर हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट ये वर्क कर चुकी हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में ये एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट वर्क कर चुकी हैं बांग्लादेश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम ICDDR है। सी डेवलप्ड द जूट सेलुलोज बेस्ड डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड एज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉर द मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन फॉर वीमेन एंड गर्ल्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो भी महिलाएं और लड़कियां हैं उनके लिए इन्होंने एक डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड डेवलप किया है, जिसमें उन्होंने जूट सेलुलोज को यूज़ करके बनाया है, जिससे जो भी महिलाएं हैं उनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया है, डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड को बनाया है। यूज किसका किया है इन्होंने? जूट सेलुलोज को यूज़ किया है। सो ये बहुत यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्या कि ये जो फरहाना सुल्ताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो पहला पॉइंट, ये बांग्लादेशी साइंटिस्ट हैं। दूसरा, ये न्यूज़ में क्यों थी? तो ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एक मशीन बिल्ड किया है जो कि सैनिटरी पैड को प्रोड्यूस करेगा बाय यूजिंग जूट सेलुलोज। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हेडलाइन क्लियर हुई? ये हेडलाइन क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारी अगली हेडलाइन पर। एंड अवर नेक्स्ट हेडलाइन इज SBI रिसर्च हैज अपग्रेडेड इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू द रेंज ऑफ 9.3% टू 9.6% फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 8.5% टू 9%। SBI ने इंडिया का जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है, इंडिया का GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है, इसको प्रोजेक्ट किया है कितना, फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए SBI ने इंडिया का GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 9.3 to 9.6%। कितना किया है? 9.3 to 9.6%। पहले इन्होंने इसको 8.5 to 9% प्रोजेक्ट किया था, बट अभी इन्होंने इसको कितना किया है, 9.3% to 9.6%। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, GDP ग्रोथ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो आपका अभी आगे हमारा SBI PO मेंस होने वाला है, तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। सो SBI रिसर्च ने इंडिया का जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट है उसको अपग्रेड किया है फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए। पहले इन्होंने एस्टिमेट किया था कि ये 8.5% से 9% तक रहेगा, बट अभी इन्होंने इसको अपग्रेड करके बताया है कि ये 9.3% to 9.6% तक हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? SBI ने कितना GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 2022 के लिए? 9.3 to 9.6%। और पहले कितना था? पहले ये 8.5 to 9% था। हाँ जी, चेंज होता रहता है, ये GDP प्रोजेक्ट करते रहते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये GDP प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि आने वाले टाइम पर ये कितना हो सकता है। जैसे पहले इन्होंने बताया था कि 8.5 to 9% रहेगा, बट अभी इन्होंने क्या किया, अपग्रेड कर दिया, अब इन्होंने कहा कि ये 9.3 to 9.6% तक रहेगा। ठीक है, बताइए क्लियर है यहाँ तक? बताइए यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, एक बार फिर से आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग कनेक्ट हो सकें। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और भी लोगों को बुला लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो है द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अवार्डेड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर 2021 and 2022। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट को क्या किया, सम्मानित किया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें लिस्ट है। इसको कब किया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज डे। मैम मेरा स्कूल टीचर में सिलेक्शन हो गया। प्रशांता, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांता, आप मुबारक हो, आप टीचर बन गए, स्टूडेंट थे अब आप टीचर बन गए हैं।
चलिए, इसको कब, ये अवार्ड कब दिया गया? ये आपका वर्ल्ड फिशरीज डे के ओकेजन पर दिया गया। टू रिकॉग्नाइज देयर अकम्प्लिशमेंट इन द फील्ड एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। हाँ जी, 21 नवंबर को होता है आपका वर्ल्ड फिशरीज डे। इसको उनकी जो भी क्या कहते हैं, इस रिलेटेड सेक्टर में उनकी उपलब्धियों और क्षेत्र के विकास में उनका जो योगदान रहा है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। द अवार्ड वर अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला इन भुवनेश्वर। इस अवार्ड को किसके द्वारा अनाउंस किया गया? इस अवार्ड को यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा भुवनेश्वर में अनाउंस किया गया। पुरुषोत्तम रूपाला, क्लियर है? अब चलिए देखते हैं अवार्ड में कौन कौन से टॉप स्टेट हैं। मरीन स्टेट में आंध्र प्रदेश को ये प्राइज दिया गया है। इनलैंड स्टेट में तेलंगाना को, हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा को दिया गया है। ठीक है, मरीन स्टेट में किसने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश ने। इनलैंड स्टेट में तेलंगाना है, हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा है। ये टॉप थ्री स्टेट्स हैं। इसके बाद टॉप डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, वो टॉप स्टेट था, अब हम बात कर रहे हैं टॉप डिस्ट्रिक्ट की। तो बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो है ओडिशा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने टॉप किया है। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के बालाघाट ने, और बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में असम के बोंगाई गांव है, असम में एक बोंगाई गांव डिस्ट्रिक्ट है, इनको बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में दिया गया है। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में मध्य प्रदेश के बालाघाट को, और बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? टॉप स्टेट की अगर हम बात करें तो किसने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश ने, उसके बाद तेलंगाना है, और उसके बाद त्रिपुरा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका ये मरीन स्टेट की कैटेगरी में आता है, तेलंगाना इनलैंड स्टेट, और त्रिपुरा ये हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये हो गया हमारा टॉप स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की। वो टॉप स्टेट था, अब हम देखेंगे टॉप डिस्ट्रिक्ट। टॉप डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर कौन है? बालासोर, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। इसके बाद है आपका बालाघाट, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और थर्ड पर है आपका बोंगाईगांव। बोंगाईगांव कहाँ पर है आपका? ये आपका असम में है। ठीक है, बालासोर ओडिशा में है, बालाघाट एमपी में है, और बोंगाईगांव ये असम में है। मरीन डिस्ट्रिक्ट है ये, बालासोर मरीन डिस्ट्रिक्ट में आया, बालाघाट आपका इनलैंड डिस्ट्रिक्ट में आया, और बोंगाईगांव ये किस में आया? हिली और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है? ये जो छह नाम है, छह नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि टॉप थ्री पूछा जाता है। टॉप थ्री अगर आपसे स्टेट पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? बालासोर, बालाघाट, बोंगाईगांव। हिंदी में लिखा तो है ये हिंदी में लिखा है ना, तो मैं हिंदी में क्यों लिखूं? चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, सबको क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके। अच्छा चलिए, एक बार जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए, 150 कर दीजिए। 150 नहीं हुआ कल, आप लोगों ने किया था, आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आज 150 नहीं हो रहा है, 150 लेकर आइए। अब हम आते हैं हमारे अगली हेडलाइन पर, एंड अवर नेक्स्ट हेडलाइन इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विल ऑर्गेनाइज इट्स फ्लैगशिप इवेंट कनेक्ट 2021 फ्रॉम नवंबर 26 टू 27 इन चेन्नई, तमिलनाडु। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हम भारतीय उद्योग परिसंघ बोलते हैं, CII का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, तो CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CII का फुल फॉर्म क्या है? CII का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये बताइए, जब आप लोग इतने व्यूज ला सकते हैं तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी, मैं देख रही हूँ 150 हो गया, तो चलिए 150 के ऊपर करिए, 170 करिए। जब आप लोग शेयर कर देते हैं, बच्चे आ भी जाते हैं, तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं? ये बताइए, आप लोग कंजूसी करते हैं क्या कि शेयर नहीं करेंगे, कोई नहीं आएगा, बस हम ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा?
थोड़ा कंजूसी हटाइए और शेयर करिए और लोगों को बुलाइए, और भी जब बच्चे कनेक्ट होंगे तो आप ही को और अच्छा लगेगा पढ़ने में, फिर नए नए लोग मिलेंगे आपको। अभी आप लोग आपस में बात करते हैं, फिर और लोग आएंगे आप उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, क्लास डेली होती है, संडे को भी होती है, डेली होती है, किसी दिन छुट्टी नहीं रहती आप लोगों की, करंट अफेयर डेली पढ़ना है। चलिए, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इट विल ऑर्गेनाइज इट्स फ्लैगशिप इवेंट, ये अपना एक फ्लैगशिप इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। उस इवेंट का नाम क्या है, उस इवेंट का नाम है कनेक्ट 2021। ठीक है, इस इवेंट का नाम क्या है, इस इवेंट का नाम है कनेक्ट 2021 फ्रॉम नवंबर 26 टू 27। 26 और 27 नवंबर को तमिलनाडु के चेन्नई में आपका ये जो कनेक्ट 2021 इवेंट है, ये क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये अपना एक फ्लैगशिप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसका नाम कनेक्ट 2021 है। ये कब होगा, ये 26 और 27 नवंबर को होगा, कहां पर, तमिलनाडु के चेन्नई में होगा। यहां तक याद हुआ, बताइए यहां तक याद हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए आपका 150 भी कम हो गया, मैंने आपको 170 दिया, आपने 150 भी कम कर दिया। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं सेशन, शेयर करिए जल्दी से, 150 प्लस लेकर आइए। चलिए यहां पर देखते हैं इसमें डिटेल में क्या कुछ है। अभी जो मैंने बताया याद हो गया ना, ये याद हुआ ना, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये क्या कर रहा है, ये एक फ्लैगशिप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कनेक्ट 2021, और ये तमिलनाडु के चेन्नई में 26 और 27 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कनेक्ट इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो कनेक्ट 2021 है ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है। इसका जो थीम है, कनेक्ट 2021 का जो थीम है वो क्या है, कनेक्ट 2021 का जो थीम है वो है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ठीक है, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। थीम याद रखिएगा कि कनेक्ट 2021 का थीम क्या है, बार बार बोलिए याद हो जाएगा, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ये क्या है, ये कनेक्ट 2021 जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका थीम है। द मेन फोकस ऑफ अ कनेक्ट 2021, ये जो कनेक्ट 2021 ये जो इवेंट है इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस है टू टेक द स्टेट्स GDP टू US $1,000 billion बाई 2030। ये जो कनेक्ट 2021 है इसका मेन टारगेट ये है कि जो स्टेट का GDP है वो 2030 तक कितना हो जाए, $1,000 billion इसका एम है कि स्टेट का जो GDP है उसको 2030 तक हम $1,000 billion तक कर दें। ठीक है, द इवेंट विल बी इनॉग्रेटेड बाई द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK Stalin ऑन 26 नवंबर। ये जो इवेंट है इसको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK Stalin जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम आर द पार्टनर कंट्रीज फॉर द इवेंट। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कनेक्ट 2021 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो पार्टनर कंट्रीज कौन सी हैं? पार्टनर कंट्रीज हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम आर द पार्टनर कंट्रीज ऑफ द इवेंट। द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ CII इज होस्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड को होस्टेड बाई द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये जो इवेंट है इसको जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उनके द्वारा होस्ट किया जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया के और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ये दो लोग इसको को होस्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद कर लीजिए, सारे जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ये जो कनेक्ट 2021 है ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर, जिसको हम ICT बोलते हैं। ठीक है, इसका जो थीम है वो है बिल्डिंग सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। थीम क्या है, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। इसका मेन फोकस ये है कि जो स्टेट है वहां पर 2030 तक जो स्टेट का GDP है उसको $1,000 billion तक किया जा सके,
और इस इवेंट का इनॉग्रेशन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन जी के द्वारा किया जाएगा। कब? 26 नवंबर को। पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पार्टनर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा होस्ट किया जाएगा, और को होस्ट किया जाएगा इसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के द्वारा। अब जिनको हिंदी में पढ़ना है एक बार देख लीजिए, मैं एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको पढ़ लीजिए। जिनको हिंदी में देखना है एक बार देख लीजिए। क्या आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्या? कितने कम हो गए सब लोग, जल्दी से शेयर करिए। मतलब मैंने ज्यादा करने के लिए कहा था, कम करने के लिए नहीं कहा था। ऐसा लग रहा है जो थे आप लोगों ने उनको भी भगा दिया। ये हो गया, पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है, एल सैल्वाडोर प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। एल सैल्वाडोर ये दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना कर रहा है। तो वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी कौन बनाएगा? एल सैल्वाडोर। एल सैल्वाडोर प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। एल सैल्वाडोर ये क्या बनाने जा रहा है? वर्ल्ड का फर्स्ट बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है। एल सैल्वाडोर प्रेसिडेंट, एल सैल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं नायिब बुकेले। कौन है? नायिब बुकेले। एल सैल्वाडोर प्रेसिडेंट नायिब बुकेले हैज अनाउंस्ड दैट द कंट्री इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। एल सैल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? नायिब बुकेले। इन्होंने अनाउंस किया कि कंट्री ये प्लान कर रही है कि वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी बनाएगी। द न्यू सिटी इज प्लान्ड टू बी डेवलप्ड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ ला यूनियन एंड विल बी इनिशियली फंडेड बाई बिटकॉइन बैग्ड बॉन्ड्स। ये जो नया सिटी है ये प्लान किया जा रहा है कि इसको ला यूनियन का जो ईस्टर्न रीजन है वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा। इट वुड गेट जियोथर्मल पावर फ्रॉम अ वॉल्केनो। इसको वॉल्केनो से जियोथर्मल पावर मिलेगा। बिटकॉइन सिटी विल नॉट लेवाई एनी टैक्सेस एक्सेप्ट फॉर द वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो बिटकॉइन सिटी बनेगा ये कोई भी टैक्स लेवाइव नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट वैल्यू एडेड टैक्स। जो वैल्यू एडेड टैक्स है बस वही देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वन हाफ ऑफ दिस वैल्यू एडेड टैक्स लेवाइव्ड विल बी यूज्ड टू फंड द बॉन्ड्स इशूड टू बिल्ड द सिटी एंड द नेक्स्ट हाफ वुड बी यूज्ड टू पे फॉर सर्विसेज सच एज गार्बेज कलेक्शन। जो वैल्यू एडेड टैक्स आएंगे उसमें से जो आधा है वो यूज किया जाएगा जो भी बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं सिटी को बिल्ड करने के लिए, और जो नेक्स्ट हाफ है उसको यूज किया जाएगा जो भी सर्विसेज हैं गार्बेज कलेक्शन वगैरह की जैसे उसको पे करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ? कोई भी टैक्स, ये जो बिटकॉइन सिटी है यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट वैल्यू एडेड टैक्स, और जो वैल्यू एडेड टैक्स लिया भी जाएगा उसका हाफ पोर्शन यूज किया जाएगा टू फंड द बॉन्ड्स इशू टू बिल्ड द सिटी। सिटी को बिल्ड करने के लिए जो भी फंड्स, जो भी बॉन्ड इशू किए जाएंगे उसको फंड प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसको उसके लिए पे कर किया जाएगा ये। ठीक है, सो एल सैल्वाडोर ये वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी बिल्ड करने का प्लान बना रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी, लग रहा है जो बुलाने गए वो भी सो गए। चलिए अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर। नेक्स्ट हेडलाइन इज, वेनेजुएला हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा विद 8573 म्यूजिशियन प्लेइंग टुगेदर फॉर मोर देन 5 मिनट्स। वेनेजुएला ने, किसने? वेनेजुएला ने न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वेनेजुएला हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा। लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वेनेजुएला ने, जिसमें 8573 म्यूजिशियन इन्होंने लगातार एक साथ 5 मिनट तक क्या किया था? म्यूजिक प्ले किया था। वेनेजुएला ने सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 8573 संगीतकार 5 मिनट से अधिक समय तक एक साथ इन्होंने क्या किया था? म्यूजिक प्ले किया था। क्लियर हुआ? सो किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा के लिए? वेनेजुएला ने बनाया है। ठीक है, वेनेजुएला हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ, याद हुआ कि नहीं? वेनेजुएला ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्यों? फॉर द लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा, जिसमें मोर देन 8573 म्यूजिशियन इन्होंने
जिसमें 8573 म्यूजिशियन ने मोर देन 5 मिनट तक लगातार एक साथ म्यूजिक प्ले किया था। आई थिंक याद हो गया होगा, वेनेजुएला ने ये रिकॉर्ड बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा के लिए। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक जितना अभी पढ़ाया है मैंने सभी क्लियर हो गया है तो फिर जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। क्यों करना है? क्योंकि और भी लोगों को बुलाना है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का एमसीक्यू सेशन जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस। तो पहले जल्दी से शेयर करिए और लोगों को बुलाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बुलाइए सबको, फिर स्टार्ट करें हमारा आज का टॉप एमसीक्यू सेशन। हाँ क्वेश्चन दिख गया, आंसर भी बता दीजिए। विच सिटी विल बी आंध्र प्रदेश कैपिटल? आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी शहर होगी? अमरावती, नेल्लोर, विशाखापट्टनम, गुंतूर। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच सिटी विल बी आंध्र प्रदेश कैपिटल? आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी बनेगी? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि जो तीन क्या दिए गए थे, प्रपोजल दिए गए थे कि तीन कैपिटल होंगे, उनको अब हटा दिया गया और अब सिर्फ एक कैपिटल होगा आंध्र प्रदेश का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, इसका सबसे पहले आंसर दिया है आलोक प्रधान ने। आलोक, विकल्प, सोनी, साधना, अश्विनी, आशीष, साजिया खातून, सरिता, आकाश, वंडर विथ स्काई, वाव, सैदाब, मधुमाय, ऋषभ, संदीप, रौनक, कपिल देव, नीतू, ओम जी, मीनाक्षी, विनय, मनीष, सरिता, महेश राय, नव्या, नेता, आकाश, सुमिक्षा शर्मा। मैम क्लास की टाइमिंग, क्लास की टाइमिंग डेली 6:30 पे होती है, सुबह 6:30 बजे डेली होती है। ओके, सब लोग इसका एक ही आंसर बता रहे हैं, अमरावती। अमरावती अभी कंफर्म नहीं हुआ है मैम, आई थिंक प्रपोजल रखा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 156 इन T20 इंटरनेशनल? T20 इंटरनेशनल में 156 लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, हार्दिक पांड्या। बताइए, आलोक प्रधान बता रहे हैं 2, ओके, विकल्प बता रहे हैं 3, ओके, 2 2 2 2 2 2, मोस्टली सब लोग 2 बता रहे हैं। सरिता भी बता रही हैं 3 और सब लोग 2 बता रहे हैं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अरे वाह, विराट कोहली भी आ गए, रोहित शर्मा भी आ गए, हार्दिक पांड्या भी आ गए, KL राहुल बच गए। राहुल राहुल आप क्लास में हो ना, आपके नाम का पर्सन बच गया, KL राहुल, जल्दी से बताइए राहुल, KL राहुल का नाम बचा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, सिंधु ने बता दिया KL राहुल, चलिए चारों नाम आ गए, विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, KL राहुल भी हैं और हार्दिक पांड्या भी हैं। इसको लॉक कौन करेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आज किसी ने करेक्ट आंसर लॉक नहीं किया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन आ गए हैं। सब लोग अब 3 बता रहे हैं, KL राहुल, चलिए राहुल जी भी आ गए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहित शर्मा। ठीक है, ना विराट कोहली हैं, ना KL राहुल हैं और ना ही हार्दिक पांड्या हैं, इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 156 इन T20 इंटरनेशनल। हाँ जी, रोहित को लॉक कर दिया। किसने किया था? विनय पांडे ने और मनीष कुमार ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इंडियाज फर्स्ट P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप? भारत का पहला P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज कौन सा है? डिस्ट्रॉयर शिप, INS विशाखापट्टनम, INS कोची, INS एरावत, INS कन्याकुमारी। बताइए, विच इज इंडियाज फर्स्ट P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप? इसका आंसर सब लोग बता रहे हैं 1A। ओके,
वन 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 वन, ये बीच में रोहित शर्मा कहाँ से आ गए? चलिए वन, इसमें गलत आंसर नहीं आ रहा है, मतलब गलत मतलब डिफरेंट आंसर नहीं आ रहा है। आ गया, इसमें थ्री आ गया, INS एरावत, और दो ऑप्शन आ गए इसमें, विशाखापट्टनम और एरावत। अब बचा कोची और कन्याकुमारी। कोची, कन्याकुमारी, कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, बताइए विशाखापट्टनम, कोची, एरावत, कन्याकुमारी। वन को लॉक किया जाए। अच्छा, वन को लॉक कर दें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है INS विशाखापट्टनम। चलिए, आपने बोला, मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। विनय ने बोला वन को लॉक किया जाए, सो कंप्यूटर महोदय ने इसको लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कनेक्ट 2021 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी मैंने इसको पढ़ाया था, तो इसका आंसर तो कोई गलत बताएगा नहीं, पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों से। अगर किसी ने गलत बताया तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, गलत बताइए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिक्की, CII, NPCI, SOCHM। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कनेक्ट 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी किस संगठन द्वारा आयोजित की जाएगी? सरिता ने बताया सेकंड, ओके, सब लोग सेकंड बता रहे हैं। अब मैं देखूंगी गलत कौन बता रहा है। सेकंड को लॉक किया जाए। अच्छा, पहले मैं देख तो लूँ किसी ने अलग आंसर बताया है कि नहीं। नहीं, सब लोग टू बता रहे हैं, टू 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 टू। सुमित मधेशिया, टू को लॉक करते हैं। अच्छा, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CII, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। चलिए, ये अभी पढ़ा था आप लोगों ने, तो अभी ऐसी बातें कोई गलत नहीं बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदौर वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडिया क्लीनेस्ट सिटी फॉर द फिफ्थ टाइम इन अ रो। पांचवी बार लगातार इंदौर ये इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी बना है। विच सिटी वॉज रैंक सेकेंड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? सेकेंड रैंक पर कौन है? इंदौर तो टॉप पर है, ये लगातार 5 साल से टॉप पर चल रहा है, सेकेंड पर कौन है? सूरत, विजयवाड़ा, लखनऊ, झांसी। सूरत, विजयवाड़ा, लखनऊ, झांसी। ये आप लोग किसका आंसर बता रहे हैं? वन टू वन टू, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, फिफ्थ का, कुछ लोग सूरत बता रहे हैं, कुछ लोग विजयवाड़ा बता रहे हैं, और कुछ लोग झांसी बताएंगे, कुछ लोग लखनऊ बताएंगे। वन को लॉक कर दें। अच्छा ठीक है, सूरत, गुजरात, महेश्वर यूनिक, ओके। सुमित बता रहे हैं सूरत, ठीक है। अभी तक अलग आ रहा था, अब सबका सूरत सूरत आ रहा है। अभी विजयवाड़ा, जो विजयवाड़ा वाले लोग थे वो कहाँ गए? आ गया विजयवाड़ा, आ गया। चलिए, 2% राइट, 2% राइट, 98% गलत क्यों है? इसका जो, अच्छा फोर्थ भी आ गया, झांसी भी आ गया। अरे वाह, झांसी भी आ गया, विजयवाड़ा आ गया, सूरत आ गया। तो क्या लखनऊ से आप लोगों की कोई दुश्मनी है क्या? लखनऊ भी बता दीजिए। कल मैंने इसकी कंप्लीट लिस्ट दी थी ना आप लोगों को। लखनऊ बैड सिटी, जरूर लखनऊ बैड सिटी, लखनऊ बहुत अच्छी सिटी है। बताइए, कल मैंने इसकी लिस्ट दी थी ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूरत। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, कल ही मैंने पढ़ाया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना विथ कॉमन सर्विस सेंटर? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। किस बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ PM स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी को शुरू किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स अंडर PM स्वनिधि विथ कॉमन सर्विस सेंटर? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स अंडर PM स्वनिधि विथ कॉमन सर्विस सेंटर? मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, PM स्वनिधि स्कीम पूरी मैंने आपको पढ़ाई थी। ये जब हेडलाइन मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने आपको पूरा PM स्वनिधि स्कीम भी पढ़ाया था कि PM स्वनिधि स्कीम क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है।
तो आई थिंक इसका आंसर आप लोग सही बताएंगे। अमरजीत वर्मा, लखनऊ में मैं हूँ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। चलिए इसका आंसर क्या है, सब लोग बता रहे हैं एचडीएफसी। अच्छा सब लोग एचडीएफसी नहीं बता रहे हैं, कुछ लोग बैंक ऑफ बड़ौदा भी बता रहे हैं और कुछ लोग इंडियन ओवरसीज बैंक भी बता रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक क्यों बच गया? आ गया आईसीआईसीआई बैंक भी आ गया। वाह, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इतना बढ़िया से, ये टॉपिक पढ़ाया था कौन सा बैंक, किस बैंक ने इसको अनाउंस किया है ये फैसिलिटी, वो पढ़ाया था मैंने। पीएम स्वनिधि स्कीम पढ़ाई थी, सब कुछ पढ़ाया था। उसके बाद भी आप लोग आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी सब बता रहे हैं। वेरी गुड, उम्मीद नहीं थी आप लोगों से ये, बट कोई बात नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एचडीएफसी बैंक। जो मैं पढ़ाती हूँ उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करिए, क्योंकि क्लास में तो लगता है कि मैम बता रही है, सब समझ में आ रहा है, बट अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगा। तो रिवाइज एक बार जरूर किया करिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एचडीएफसी बैंक। मोस्टली लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक्स रेमिटेंस प्राइजेस वर्ल्ड वाइड डाटाबेस रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेज बाई रिसीविंग 87 बिलियन US डॉलर इन 2021। विश्व बैंक की नवीनतम विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डाटाबेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में 87 बिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस प्राइजेस वर्ल्ड वाइड डाटाबेस रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस बना है? ओके, इसका आंसर तो आई थिंक सब लोग सही दे रहे हैं। टू 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 इंडिया। हाँ जी, ये कल ही हमने पढ़ा था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? इंडिया का पहला लीगो, लीगो जिसका फुल फॉर्म है लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसको कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा? बताइए। इंडियाज फर्स्ट लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में इसको सेटअप किया जाएगा? गुजरात, केरला, मणिपुर, महाराष्ट्र। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। गुजरात, केरला, मणिपुर, महाराष्ट्र। गुजरात कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग मणिपुर बता रहे हैं, और कभी कभी नहीं होता है क्लास डेली। कहाँ नहीं होता है, क्लास तो डेली होती है, आप डेली नहीं आते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, कुआलालंपुर मलेशिया, मनीला फिलीपींस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाइन्थ में कुछ लोग बता रहे हैं थ्री, कुछ लोग बता रहे हैं टू, कुछ लोग बता रहे हैं वन, कुछ लोग बता रहे हैं फोर। संडे को भी क्लास होता है आपका, संडे को वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है। ओके, मोस्टली लोग इसका आंसर थ्री बता रहे हैं और कुछ लोग वन बता रहे हैं। सुमित मादेशिया बता रहे हैं कुआला लंपुर मलेशिया, लॉक कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, अभी लॉक कर देंगे। सिंधु भी बता रहे हैं, अश्विनी भी बता रहे हैं। चलिए जब सब लोग बता रहे हैं तो लॉक कर देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुआला लंपुर मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? लॉजन स्विट्जरलैंड,
दुबई यूनाइटेड अरब इमायरेट्स, पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन डीसी यूएसए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? लॉजन स्विट्जरलैंड, दुबई यूनाइटेड अरब इमायरेट्स, पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन डीसी। पायल, इसके अलावा 1 बजे और मेरी क्लास आती है जिसमें बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस चल रही हैं, और बाकी इसके अलावा मेरी पेड बैचेस आती हैं। सो यूट्यूब पर मेरी 2 क्लासेस आती हैं, एक आपकी सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की, दूसरी 1 बजे बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस की, बाकी पेड बैचेस हैं। सो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? दुबई लॉक कर दें। दुबई, अच्छा दुबई लॉक कर दें, ठीक है। और सब लोग एक ही आंसर बता रहे हैं, यूनाइटेड अरब इमायरेट्स, दुबई। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुबई यूनाइटेड अरब इमायरेट्स। हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब इमायरेट्स है। देखिए, इस टाइम डेली में एक हेडक्वार्टर लेकर आती हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपका हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए स्टैटिक में एक हेडक्वार्टर का क्वेश्चन डेली नहीं रहेगा, तो अल्टरनेट डे पर तो रहेगा ही। अब मुझे आप लोग बताइए, आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? संडे को भी क्लास का टाइम आपका 6:30 बजे ही रहता है, आपकी करंट अफेयर की क्लास डेली 6:30 बजे ही होती है। चलिए बताइए, आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? ईमानदारी से बताइएगा, ऑनेस्टी के साथ, चीटिंग नहीं करनी है। मैंने देखा है किसके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। बताइए आउट ऑफ 10 कितने सही हुए? महेश राय के 9, विकल्प के 8, रौनक 7, मधुमोय 9, ओमजी 7, आकाश 9, अश्विनी कुमार 9, विनय जैन 9। अच्छा, मोस्टली सबके 9 है। नीतू सिंह, आपके 10/10 है, वेरी गुड नीतू, कॉन्ग्रेचुलेशन, नीतू के 10 out of 10 है। वैसे आई थिंक पहली बार मैं नाम देख रही हूँ नीतू का। इसके अलावा और किसका 10 है? मनीष कुमार का, ओके। और वेर इज आशीष? आशीष के भी हमेशा 10 आते हैं ना? हाँ जी, आशीष के भी 10 है, और आशीष के भी 10 है, 10 out of 10 है। नेता आकाश यदुवंशी के भी 10 है, और किसके 10 है? बस इतने लोगों के 10 out of 10 है, 3 लोगों के, नीतू, मनीष और आशीष, और वो एक नाम और था नेता आकाश, आकाश, बस 4 ही लोगों के 10 out of 10 है, बाकी सबके कहाँ गए? सरिता, आपके मार्क्स कितने हैं? चलिए ठीक है, जिनके 8, 9, 10 हैं उनके मार्क्स तो सही हैं, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, एक फ्लो में चल रही है। बट जिनके भी मार्क्स 8 से कम हैं, उनको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने लेवल को और हाई करिए और अच्छे से पढ़िए, जिससे आप भी इस रेंज में आ सकें, इस रेस में आ सकें। 8, 9, 10 इतना तो सही है, एग्ज़ाम में अगर आप 10 में 8 मार्क्स ला रहे हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। बट अगर 10 में आप 5 या 6 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, दैट मीन्स आप उस रेस में, उस कॉम्पिटिशन में बहुत पीछे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर, जो कि हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको क्या करना है, हमें कमेंट करके बताना है सेशन एंड होने के बाद, और जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, जिसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। सो उम्मीद है कि इस बार आप में से किसी का नया नाम देखने को मिलेगा, कोई नया नाम हमारा चैंपियन बनेगा, जैसे कि आज भी 2-3 नाम सब नए आए हैं, नीतू, मनीष, आकाश, ये 3 नाम नए आए हैं, बस आशीष का पुराना नाम है। सो उम्मीद है कि इसमें भी आप में से किसी का नाम नया आएगा, ठीक है। सरिता 8/10, ओके वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कॉमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा सेशन एंड होने के बाद। सो अब हम नेक्स्ट आपसे मिलते हैं 1 बजे हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।
never miss an update.